Morning and Jai Swaminarayan, one and all. How have you been? I mean, how are you? I hope you are fine. We are also fine here. Today, we will be learning about intent. Intent means short. आप सब समझ ही गए होंगे. उससे पहले आप लोगों ने ट्रैवलिंग स्पीच के अंदर सबसे फास्ट इंक्वायरी ऑफिस किस तरह इंक्वायरी करनी इसके बारे में आप लोगों ने सीखा था. आफ्टर डेट विंडो आई मीन टिकट विंडो पे किस तरह टिकट लेनी उसके बारे में आपने सीखा था. आफ्टर डेट पोर्टर से किस तरह इंग्लिश में बातचीत की जाती है वो भी आप लोगों ने सीखा था. नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट इन ट्रेन में आप किस तरह बातचीत करोगे. जैसे कि सपोज आप जूनागढ़ से दिल्ली जा रहे हो, जूनागढ़ से मुंबई जा रहे हो, तो जस्ट थिंक आपके सामने कोई पैसेंजर होगा तो आप क्या बातचीत करोगे. यू जस्ट थिंक चुपचाप बैठे रहोगे नॉन स्टॉप? नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत आप लोग करोगे. बट ऐसे तो ट्रैवलिंग के समय दरमियान किसी से ज़्यादा मिक्स मत हो, बेटर है. फिर भी थोड़ी बहुत आप फॉर्मेलिटीज कर सकते हो, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो. इस बारे में आप सभी लोगों को सीखना है. बट ज़्यादा मिक्स मत होइए ट्रैवलिंग के दरमियान किसी भी टूरिस्ट से. नाउ सी, मान लो कि आपने सीट बुक कराई है, आपकी सीट पे कोई पर्सन बैठ गया है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू थिंक, यू थिंक जस्ट व्हाट यू डू. शायद क्या बोलोगे आप, हिंदी में क्या बोलोगे, गुजराती में क्या बोलोगे? बट व्हाट यू से इन इंग्लिश, वेरी सिंपल, यू जस्ट से एक्सक्यूज मी सर, यस, वुड यू मूव लिटिल प्लीज सर, वुड यू मूव लिटिल प्लीज सर, मीन्स के आप थोड़ा खींच सकते हो. इट्स माई सीट, श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम. अगर आपकी सीट पर कोई बैठा है तो आप ये डायलॉग यूज कर सकते हो. नाउ सेकंड स्टेप, अब ट्रेन रवाना हो चुकी है, आप बैठो, आपके सामने कोई भी अननोन टूरिस्ट बैठा है, तो क्या बातचीत करोगे? अगर वो भी आपसे करता है तो आप क्या जवाब दोगे? वेरी सिंपल, हाउ यू स्टार्ट, तो जस्ट ऐसे बातचीत करना जरूरी नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी, इफ यू वॉन्ट टू पास द टाइम, थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए बातचीत कर लो, बट ज़्यादा मिक्स मत करिए. सो यू जस्ट स्टार्ट, सर आर यू गोइंग टू मुंबई? यस आई एम गोइंग टू मुंबई. एंड यू? यस आई एम गोइंग टू ऑल्सो मुंबई सर. आर यू गोइंग टू मुंबई फर्स्ट टाइम? नो, I am not going to Mumbai first time because Mumbai is my native place. And you? Sir, I am going to Mumbai first time. Very nice. तो ये आप first just introduction कर सकते हो, कौन कहाँ जा रहा है, clear? Now second step, what you do? Second step में आप थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो. Okay sir, may I know your good name sir? Sure, I am Mr. Rawat. Rawat Manish. And you? I am Mr. James. Sir, may I know your occupation, sir? Occupation means business. Sure, I am a businessman. And you, sir? Sir, I am professional trainer of communication skill. Sir, nice to meet you, sir. Nice to meet you. The second step है, आप ये थोड़ी बहुत बातचीत कर लीजिए business के बारे में, क्या नाम है वगैरह. Now, after that, third step. आप मान लो कि फर्स्ट टाइम मुंबई जा रहे हो, तो मुंबई की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो. ऐसे तो आजकल गूगल है, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट एक बार प्रैक्टिकली भी आप ले सकते हो, भाई कौन सी होटल अच्छी है, कौन से प्लेसेस घूमने जैसे, राइट? थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो हाउ वी टॉक विथ हिम? ओके, तो आप बता सकते हो, सर सर विच प्लेसेस इज द बेस्ट प्लेसेस इन द मुंबई सर? ओके, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस लाइक गेट वे ऑफ इंडिया, रेस कोर्स, चौपाटी, महालक्ष्मी टेम्पल, एलिफेंटा केव एंड अदर प्लेसेस. सर विच इज द बेस्ट होटल इन द मुंबई? सर पैसिफिक होटल इज द बेस्ट होटल इन द मुंबई.
ओके सर, सर हाउ फार इज द पैसिफिक होटल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? आई थिंक अबाउट 5 to 7 किलोमीटर, 5 to 7 किलोमीटर. सर हाउ कैन आई रीच देयर? यू कैन रीच देयर बाय बस, बाय ऑटो, बाय टैक्सी. ओके सर, तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो. आफ्टर डे आप लॉन्ग ट्रैवलिंग है, आपके पास भी खाने पीने की आइटम होगी, सामने भी खाने पीने की आइटम होगी, तो आप एक दूसरे को ऑफर कर सकते हो. सपोज मेरे पास कोई समोसा, कचौरी, बिस्किट, कॉफी है, राइट, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, राइट, तो आप सामने वाला भी मेरे को ऑफर करेगा. सपोज सर वुड यू लाइक टू हैव कॉफी सर, व्हाट यू डू? अगर मैं आपको कॉफी भी ऑफर कर रहा हूँ तो आप क्या करोगे सर? सर वुड यू लाइक टू हैव कॉफी सर, आप क्या करोगे, ले लोगे या मने करोगे? थिंक, अगर आप मने कर रहे हो तो सॉरी सर, प्लीज प्लीज वन कप कॉफी सर, प्लीज, व्हाट यू डू? नो नो नो, प्लीज सर वन कप, शायद मैं आपको सर मांगू तो आप ले भी लोगे. बट रिमेम्बर, ट्रैवलिंग के समय आपको कोई भी खाने पीने की चीज ऑफर करता है, डोंट एक्सेप्ट, ओनली से सॉरी सर, ओके, या नो थैंक्स सर. क्यों? आपको मालूम है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सभी जगह अनाउंसमेंट होता है, अननोन पर्सन आपको कोई भी चीज ऑफर करता है खाने पीने की, मत लीजिए, इसमें आपका रिस्क है, जोखिम है, क्लियर? तो ए खास वुड यू लाइक टू हैव कॉफी सर, तो एट दैट टाइम यू कैन से नो थैंक्स सर. आफ्टर डे मान लो कि मुंबई आ रहा है तो दिखने लगता है भाई मुंबई आ रहा है, जैसे जूनागढ़ आता है तो जयपुर से आपको माउंटेन दिखने लगते हैं कि भाई जूनागढ़ आ रहा है, इंडिकेट होने लगता है, राइट. अब मुंबई आ रहा है तो आप कह सकते सर आई थिंक मुंबई इज कमिंग, यस यू आर राइट. सर वेर विल यू गेट डाउन? आई विल गेट डाउन दादर. एंड यू? आई विल गेट डाउन सेंट्रल. ओ ओके ओके सी यू. मान लो कि स्टेशन आ गया, वो अननोन पर्सन उतर रहा है, ओके ओके सी यू, बाय बाय अगेन. एंड शायद वो भी आपको कह सकता है सर विश यू हैप्पी जर्नी, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से थैंक यू वेरी मच, ओके. सो इस तरह आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच, एंड जय सोमनारायण वन एंड ऑल, एंड जय हिंद.